उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात। 17 जिलों में बाढ़ से 20 लाख लोग प्रभावित। गोरखपुर में सड़कों पर चल रही है नावें। जी हां, उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो चुकी है। आलम यह है कि करीब 97 गांव का संपर्क टूट चुका है और 20 लाख लोग बाढ़ प्रभावित हैं। नेपाल सीमा से छठे क्षेत्रों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है। गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहाँ सड़कों पर नाव चल रही है और मकान की एक मंजिल पानी में डूब चुकी है। गोरखपुर में लगातार बाढ़ खतरा बढ़ता ही जा रहा है। राप्ती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। इसकी वजह से कछार क्षेत्र में लोग दहशत में हैं। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आलम यह है कि 24 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों की जिंदगी अब नाव के सवार हो गई है। प्रशासन ने प्रभावित गांवों के लोगों को आवागमन के लिए 90 से ज्यादा नाव उपलब्ध कराई है। बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। गोरखपुर जिले में अब तक 24 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इसमें से कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। शहरों के सीमावर्ती इलाकों में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। बाढ़ की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से बहरामपुर, शेरगढ़ सहित अन्य गांवों की सड़कों पर और घरों में बाढ़ का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। एहतियात के मद्देनजर तहसील प्रशासन ने लोगों को सुविधा और आवागमन बनाए रखने के लिए नाव लगवा दी है। गोरखपुर की जो मेन नदी है राप्ती नदी जो है, जो कि जनपद गोरखपुर में तकरीबन 134 किलोमीटर वो ट्रेवल करती है, कैंपियरगंज से एंटर करती है और गोला में जाकर के इसका मतलब बरहज देवरिया में जाकर के इसका संगम जो है वो सरयू नदी के साथ होता है। तो राप्ती नदी इस समय गोरखपुर में डेंजर लेवल से 86 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। और अगर मैं बात करूँ कल शाम 4 बजे से आज सुबह के बीच की, तो तकरीबन 13 सेंटीमीटर नदी बढ़ी है। और अभी ये जो नदी का बढ़ने का ट्रेंड है अगले 1-2 दिनों तक जारी रहेगा, क्योंकि राप्ती नदी की जो सहायक नदियां हैं जो महाराजगंज साइड से और सिद्धार्थनगर साइड से उसको सपोर्ट करती हैं, जिसमें ककरही है और बूढ़ी राप्ती है, ये सभी नदियों में अभी अपने डेंजर लेवल से ऊपर है, पानी इसमें अधिक है। तो ये सारा पानी जो है वो राप्ती में ही आएगा, तो इस वजह से राप्ती में इस समय पानी ज्यादा है। और ये अभी धीरे धीरे हो सकता है 2 दिनों बाद जब ये मतलब अपना पीक ओवर करने के बाद तब ये रिसीट करना शुरू हो जाएगी। राप्ती और जो उसकी सहायक नदी आमी की वजह से जनपद गोरखपुर में आज की डेट में 47 गांव प्रभावित हुए हैं और तकरीबन उन सभी गांवों में 91 नावें लगा दी गई हैं, जिससे कि सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था वहां पर बनाई जा सके। तो इस समय वर्तमान में ये सभी क्षेत्रों में पर्याप्त नावें लगी हुई हैं और जैसा पब्लिक का डिमांड हो रहा है वैसी नावें वहां पर तत्काल रूप से उपलब्ध करा दी जा रही हैं। रिजर्व में हमारे पास तकरीबन इस समय 150 नावें हैं जो जनपद में मौजूद है, तो अगर कहीं भी जरूरत रहेगी तो वहां पर अतिरिक्त नाव लगाया जाएगा। इसके अलावा जो अभी राहत खाद्यान्न सामग्री किट का भी लगातार वितरण किया जा रहा है, जिसमें 18 प्रकार के संसाधन हैं और इसमें तारपुलीन और जेरिकेन्स वगैरह भी हैं। पब्लिक को भी हम लोग वहां पर वाटर टैंकर्स के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति भी सुनिश्चित कराई जा रही है। नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में बाढ़ का कहर जारी है। हिमालय की पहाड़ियों पर लगातार बारिश हो रही है, इससे यूपी की नदियां उफान पर हैं। रायबरेली में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। अयोध्या में हल्के बादल देखे गए हैं और लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।